क्यों नॉर्थ कोरिया में एक माँ को अपने दो बच्चों की जान बचाने के लिए जेल जाना पड़ा, और क्या आपने इनकी वीडियोस देखी है? बहुत ज्यादा चांसेस है देखी हो, इनके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, वीडियो के साथ बन रही है। और कैसे स्टीव जॉब्स ने ह्यूमन साइकोलॉजी का सहारा लेकर के अपने एप्पल आईपैड की सेल को काफी गुना बढ़ा लिया, ऐसे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। बात 2020 की है, एक महिला होती है जिसके दो बच्चे होते हैं। पता नहीं अचानक से उनके घर में कैसे आग लग जाती है, और ये आग इतनी ज्यादा भीषण होती है कि पूरा घर लगभग जलने ही वाला होता है। उस महिला को अचानक से याद आता है कि नहीं, उसके दो बच्चे भी घर में हैं, मौजूद हैं, तो वो जाती है घर में और अपने बच्चों को वापस निकाल करके लेकर के आती है। ये सब काम तब हो रहा होता है जब घर बहुत ही ज्यादा जल चुका होता है, और इस दौरान उससे एक छोटी सी ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ता है। अब देखिए, आपको मैं कारण बताऊं उससे पहले ये बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा कानून है कि वहां की जो लीडर्स हैं उनकी फोटोज को अपने घर में रखना होता है, और उन फोटोज के साथ अगर कोई भी छेड़खानी हुई या फोटो खराब होते हैं, कुछ भी होता है, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो यही हुआ उस महिला के साथ भी, क्योंकि घर जल रहा था, उसने अपने बच्चों को वापस लेकर के आई, बच्चों को तो बचा लिया लेकिन फोटोज को बचा नहीं पाई, तो इसके कारण हुआ क्या कि उसे जेल जाना पड़ गया। अब जब इस चीज के बारे में मैंने पहली बार सुना था तो मैं तो काफी ज्यादा चौंक गया था। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा, मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकते। इस डायलॉग में वो कहते हैं कि वो 15 मिनट तक अपनी सांसों को रोक सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा जीव भी है जो कि 15 मिनट नहीं 6 घंटे तक अपनी सांसों को रोक सकता है, और ये कोई और नहीं बिच्छू है। आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां पर ना ही तो आपको मच्छर देखने को मिलेंगे, ना ही जहरीले सांप देखने को मिलेंगे, और ना ही कोई दूसरे जहरीले जीव आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर मकड़ियां मौजूद होती है, लेकिन वो भी वो मकड़ियां होती है जो कि अगर इंसानों को काट लें तो इससे इंसानों का कुछ नहीं होगा। सोच करके देखिए, काफी कमाल का देश है, जाना पड़ेगा लगता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल आईपैड की सेल को कई गुना बढ़ा दिया सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक का यूज करके। तो चलिए इस इंसिडेंट को समझने के लिए टाइम में पीछे चलते हैं, उस समय पर जब एप्पल आईपैड का लॉन्च इवेंट था। स्टीव जॉब्स स्टेज पे थे और वो जो है एप्पल आईपैड के बारे में फीचर बता रहे थे, उसके बारे में क्या क्या खूबी है सारा कुछ बता रहे थे। और एक ऐसा टाइम आता है जब वो रिवील करते हैं कि एप्पल आईपैड की एक्चुअल प्राइस क्या होने वाली है, और वो ये बताते हैं कि एप्पल आईपैड की प्राइस है वो है $999, जो कि देखा जाए तो काफी ज्यादा है। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद वो उसकी प्राइस को हाफ कर देते हैं, मतलब $999 से वो डायरेक्टली उस एप्पल आईपैड की प्राइस को कर देते हैं $499। और इस चीज को जब वहां की जनता देखती है और लोगों को जब पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और क्योंकि एप्पल जाना ही जाता है महंगे प्रोडक्ट के लिए, और अचानक से प्राइस हाफ करना लोगों के बीच में एक बज क्रिएट कर देता है, और उसके बाद एप्पल आईपैड की सेल आसमान छूने लगती है। सो इस तरीके से स्टीव जॉब ने हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेल करके एप्पल आईपैड की सेल को काफी गुना बढ़ा लिया था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के 5 सबसे कॉमन पासवर्ड के बारे में, और अगर इनमें से कोई भी एक आपका पासवर्ड है तो जल्दी से जल्दी चेंज कीजिए। सबसे पहला पासवर्ड है 12345, दूसरा है 123456, और तीसरा है 1 से लेकर 9 तक। इसके बाद जो सबसे कॉमन पासवर्ड है वो है QWERTY, जो हमारे कीबोर्ड का लेआउट रहता है वो। उसके बाद सबसे कॉमन पासवर्ड है पासवर्ड, जी हाँ, पासवर्ड को ही लोग जो ये पासवर्ड लेटर है इसी को यूज करते हैं एज ए पासवर्ड। सो अगर आप इनमें से किसी को भी अपना पासवर्ड चाहे किसी भी जगह पर यूज करते हैं, कोई सी भी साइट में, तो चेंज कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इजीली हैक हो सकता है। जॉन सीना के बारे में तो हम सभी जानते हैं, ये एक बहुत ही फेमस WWE के रेसलर हैं, इनकी काफी तगड़ी बॉडी है। लेकिन एक बात बता दूं, ऐसे ये बचपन से नहीं थे, एक टाइम ऐसा था जब इनकी बॉडी काफी ज्यादा पतली थी, बहुत ही स्किनी थे, और इसके कारण इनको काफी कुछ झेलना पड़ता था जब ये छोटे थे। तो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पतले थे, तो इनके साथ के जो लड़के थे वो इन्हें काफी ज्यादा बुली किया करते थे, और उस टाइम पर इन्होंने ये ठान लिया था कि ये जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देंगे, अपनी बॉडी को काफी अच्छी बिल्ड करेंगे। और उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि जॉन सीना कहां पर है, एक समय वो था और एक समय आज का है। सब मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे देश की शान, हमारा फ्लैग, वो 1906 से 1947 के बीच में उसके डिजाइन में कितना चेंज आया, चलिए देखते हैं। 1906 में हमारा झंडा कुछ इस तरीके का दिखता था, उसके बाद 1907 में चेंज आया, उसके बाद 1917 में चेंज आया, फिर 1921 में, 1931 में कुछ ऐसा दिखता था, और उसके बाद 1947 में हमारा झंडा कुछ ऐसा दिखता था, और 1947 से अभी तक ये डिजाइन हमारा चले आ रहा है। क्या आप इनको जानते हैं? नहीं भी जानते होंगे तो वीडियो तो जरूर देखी होगी। इनका नाम है खाबिलेम। ये पॉपुलर है अपनी सिंपल वीडियोस क्रिएट करने के लिए। इनकी वीडियोस इतनी ज्यादा सिंपल होती हैं कि ये काफी ज्यादा फनी लगती हैं। जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तो ज्यादातर लोगों की तरह इन्होंने भी अपनी जॉब को लूज कर दिया था, और उस टाइम पे ये सोच रहे थे कि आखिर ये करे तो करे क्या। उसके बाद इन्होंने सोचा टिकटॉक पे एक अकाउंट खोल करके सिंपल वीडियोस बनाने की, और क्योंकि इनकी वीडियोस काफी ज्यादा फनी होती थी, बहुत ही ज्यादा सिंपल होती थी, लोगों को अपीलिंग लगती थी, तो इसके कारण इनके फॉलोअर्स भी दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। आज के टाइम पे इनके 95 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं टिकटॉक पे, 31 मिलियन
से ज्यादा इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं और इनके अभी करंट नेटवर्थ की बात करें तो वो 2 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है, सोच करके देखिए। अगर आप इस टाइप के फैक्ट्स और पाते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, काबी लेम की तरह मैं भी फेमस होना चाहता हूँ। हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की। तो चलिए मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।